सो so, uh, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सारा पास्ट और अब ये देखते हैं कि प्रेजेंटली किस तरीके से ये चल रहा है सिस्टम और फ्यूचर की बात तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके ऊपर मैं छोड़ूंगा कि किस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आती हैं एंड हाउ यू विल सी कि uh, जो अब मैनेज एक्सचेंज रेट है या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके बाद क्या सिस्टम्स uh, आते हैं पूरी दुनिया में वी विल एक्सपीरियंस टुगेदर तो यहाँ पे आ, हम जहाँ से डिस्कशन को छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं 1973 के बाद एक आ, बड़ा आ, जो चेंज आया वो ये था कि फ़िक्स एक्सचेंज रेट से हम लोग आ चुके थे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की तरफ या मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की तरफ वंस अगेन ये नहीं डिज़ायरेबल था लेकिन इसको अडॉप्ट करना पड़ा इसके अंदर कुछ इश्यूज़ थे लेकिन जो फ़िक्स रेट की तरफ कोशिश की गई ब्रिटेन वुड सिस्टम की तरफ जाने की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। फिर अल्टीमेटली इन 1976 ये जमैका अकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग फाइनली इस सिस्टम को रिकगनाइज कर लिया गया एज अ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के ये जो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के थ्रू हम मॉनेटरी uh, सिस्टम को चला सकते हैं अब प्रेजेंटली uh, जितनी भी जो इंटरवेंशन होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड इश्यूज की स्टिल वो आपके पास जो है वो डॉलर्स की फॉर्म के अंदर होती हैं तो डॉलर बेसिकली प्रीडोमिनेंटली जो एक करेंसी है जो जितने भी इश्यूज हैं उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके लिए यूज़ हो रही है इस सिस्टम में कुछ इश्यूज भी हैं वंस अगेन उसमें सबसे पहला इशू है वॉलीटैलिटी की जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि इस एक्सचेंज रेट सिस्टम के थ्रू जैसे अगर हम मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट लेके चलते हैं तो वॉलीटलिटी काफ़ी ज़्यादा है जब वॉलीटलिटी ज़्यादा है तो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी विल बी अफेक्टेड और ये सिस्टम जो है इसको हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया था इन नाइनटीन इन पर्टिकुलरली टू थाउजेंड एट एंड नाइन जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ऑल ओवर द वर्ल्ड और क्योंकि कि इतना इंटीग्रेटेड है कि पूरा वर्ल्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि वन साइड कोई भी ऐसी uh, होती है कोई इफ़ेक्ट या कोई एक कंट्री के अंदर कोई आता है सिस्टम फाइनेंशियल इशू तो वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेता है देन uh, इसके अंदर वंस अगेन एक ग्रेटर कोऑर्डिनेशन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कोई ऐसा नहीं प्रमोट कर सका इंडस्ट्रियल नेशन के दरमियान कि जिसके थ्रू डेवलपमेंट बहुत रेपिडली होती या एक जो सेट uh, पैटर्न थे किसी ज़माने में सेट किए गए थे मोनिटरी सिस्टम को लेके कि ये डिसम को तो करेक्ट करेगा एट द सेम टाइम प्रमोट करेगा आपके पास इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ रिसोर्स तो वो चीज़ यहाँ पे लैक कर रही थी और फाइनेंशियल क्राइसिस को जो टैकल करने को लेके वो भी थोड़े से इश्यूज़ इस सिस्टम के अंदर हैं इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए डिफरेंट प्रपोजल्स दिए गए टू सॉल्व दिस इश्यूज लाइक टारगेट जोन्स की बात की गई कि जो आप फ्लक्चुएशंस टू परसेंट या टू पॉइंट टू फाइव की तरफ जा रहे हैं आप टेन परसेंट की तरफ जाएं और उसके दरमिया डॉलर एंड येन एंड एंड डॉलर जर्मन मार्क के दरम्यान फ्लक्चुएशंस को क्या गया जर्नलाइज Generalize की जर्नलाइज करें दैन एक आई एम एफ़ की तरफ से प्रपोजल आया ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स ऑफ इकनॉमिक परफॉर्मेंस के आप मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स लें इंडेक्स डेवलपमेंट की तरफ जाएँ और इस को जो है एक ऑब्जेक्टि uh, ओरिएंटेड चीज़ों को लेके कर चलें देन सिंगल वर्ल्ड करेंसी का भी एक कॉन्सेप्ट मंडल ने दिया कि इफ वी आर सेइंग द ग्लोबल विलेज आइडिया तो वी मस्ट हैव अ सिंगल करेंसी जो इस सारे इश्यूज को एक्सचेंज रेट के uh, जो इश्यूज आ रहे हैं उस सारे को सॉल्व करेंगे अगर हम सिंगल करेंसी की तरफ चले जाएँ सो दिस वॉज़ द आइडिया ये फाइनेंशियल सिस्टम की वर्क जो मॉनेटरी सिस्टम की वर्किंग है पास्ट भी हमने देखा प्रेजेंट भी अभी थोड़ा सा डिस्कस किया फ्यूचर के एंड पे लेट्स सी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से चेंजेस आती हैं मॉनेटरी सिस्टम के अंदर और हम किस चीज़ uh, को एज अ मॉनेटरी सिस्टम के या किस मॉनेटरी सिस्टम के थ्रू हम अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो गुजारेंगे थैंक यू वेरी मच दिस इज़ द एंड ऑफ द कोर्स